जनपद में लोकसभा चुनाव का मतदान पहले चरण में है और इस समय नॉमिनेशन चल रहे हैं। 20 मार्च से 27 मार्च के बीच नॉमिनेशन और इसी बीच होली का त्यौहार भी है। इस समय होली का पर्व और चुनाव पूरे सवाब पर है। बाजार में गुलाल, मास्क, पिचकारी, होली के कपड़े उपलब्ध है और सभी पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। रंग वाली दुकानों पर टंगी पिचकारी और गुलाल के पैकेट्स बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। पूरा बाजार इसी तरह की पिचकारियों से पटा हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव का मौसम है और इस मौसम में होली तो फिर चुनाव का रंग तो रंगीन हो ही जाएगा। दरअसल पीलीभीत लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है और इस समय नॉमिनेशन चल रहे हैं। 20 मार्च से 27 मार्च तक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन करेंगे और इस बीच में होली का महापर्व है, इसलिए पीलीभीत की होली वाली बाजार इस समय चुनावी रंग में रंगी हुई है। जिस दुकान पर आप जाएंगे वहां मोदी के मास्क, मोदी की पिचकारी, मोदी योगी के गुलाल, मोदी के कपड़े ही मिलेंगे। इतना ही नहीं, दुकान में जो सबसे बड़ी पिचकारी है वो तो पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी में रंगी हुई है। इतना ही नहीं, दुकानों पर टंगी पिचकारियां भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी कर रही हैं। देखिए पिचकारी पर लिखा है, डबल इंजन की सरकार, साथ में कमल चुनाव चिन्ह। हमने जब इस बारे में विक्रेता से बात की तो उसने बताया कि मोदी योगी वाली पिचकारी खत्म हो चुकी है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, अब ऊपर से माल भी आना बंद हो गया है। जब हमने पूछा आचार संहिता भी लगी हुई है तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो अब आ गए ना, होली की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है।